सब्सक्राइब करिए गुरुकुल ट्रिक्स चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड। तो दोस्तों, रेलवे परीक्षा 2018 में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो अब नहीं होगी कोई आपको दिक्कत टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप पूरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन जो बनेगा उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे जो भी वीडियो पड़ेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट आखिर में करना कैसे है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके पास 60 मिनट टाइम है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। दोस्तों 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, इसमें टाइम आपको जिसमें ज़्यादा लगने वाला है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का चैप्टर है, जो कि टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। तो ये दोनों तो टाइम टेकिंग है, लेकिन आप टाइम बचा सकते हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में। ये आपके जो 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये 30 जो क्वेश्चन है आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो इसी को आपको बहुत कम समय में करना है, ये 30 क्वेश्चन को आपको बहुत कम समय में करना है। और ये 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको सबका सब पहले देखना है। दोस्तों आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रह रहा है सर कि हम 75 क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे हैं सर, 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बहुत लोग देख पा रहे हैं, 75 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद का जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल रहता है और आप उसको लगा सकते थे और आपने उसको छोड़ दिया। आप अगर उसको लगा दें तो 5 नंबर अधिक गेन कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करें तो आप वो भी 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको करना है कि किसी भी प्रश्न पर दोबारा मत रुकिए। आपको करना क्या है, किसी भी प्रश्न पर आपको दोबारा नहीं रुकना है। आपने एक बार प्रश्न पढ़ लिया, आपको समझ में आया अच्छे से, तो आप उसको लगाइए। अगर वो आपको लगता है कि उसको आप कर सकते हो तो उसको टैग का उसमें जगह ऑप्शन दिया है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप टैग करिए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बाद में देखिए, क्योंकि आपको पहले सभी 75 क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो विशेष ध्यान दीजिए कि दोस्तों किसी भी प्रश्न पर आप दोबारा मत रुकिए। भले से वो मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया हो, SI पूछ दिया हो, सिर्फ SI पूछ दिया और आप PRT/100 पर रख के उसको लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है, ऑप्शन में आपका आंसर जो आ रहा है दिया ही नहीं है। तो दोस्तों आप उसको ये मत सोचिए कि इसको हम लगा सकते हैं, तो उसको आप दोबारा मत प्रयास करिए। आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए और आप आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको करना क्या है कि पहले राउंड में आप पहले पूरे 75 के 75 क्वेश्चन देखिए। आप 75 क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें आप 42 से 45 अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, 42 से 45 आपको अटेम्प्ट करना है और फर्स्ट राउंड में। और इतना ये सब पूरा राउंड आपको पहला राउंड 45 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं और जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ सही सही क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। 42 से 45 क्वेश्चन आपको एकदम सही करने हैं, 99% या 100% एक्यूरेटी के साथ सही करने हैं। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है कि फर्स्ट राउंड आप कर लेंगे, आपके पास 45 मिनट में ही करना है और आपके पास 15 मिनट का टाइम बचेगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपने टैग किया था, जो आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ, आपको उसी क्वेश्चन पे फिर दोबारा जाना है। आपको उस क्वेश्चन पर दोबारा जाना है और मिनिमम आपको 52 से 55 क्वेश्चन, कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपको करने इतने सही क्वेश्चन करने हैं। आप कम से कम 60, 62, 65 क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कम से कम 52 से 55 अटेम्प्ट क्वेश्चन करिए जो सही हो, और उसके बाद आप कुछ और क्वेश्चन जो डाउट वाले हों उसको भी करिए, जरूर करिए, लेकिन आप 52 से 55 क्वेश्चन सही करिए तो आप सेफ जोन में रहेंगे दोस्तों। तो आप इस तरह टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहले आपको जो है फर्स्ट 45 मिनट में जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है। पहले 45 मिनट में आपको करना क्या है कि सारे 75 क्वेश्चन आपको देखने हैं, और 75 क्वेश्चन जो आ रहा है लगता है एकदम तुरंत 10 सेकंड में लग सकता है, उसको आप करिए। किसी भी क्वेश्चन पे आप दोबारा मत रुकिए, किसी भी क्वेश्चन पे आप टाइम मत दीजिए, मत उसको दोबारा पढ़िए कि वो दोबारा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है दोस्तों, तो आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो 1-2 मिनट 5 मिनट समय ले लेंगे, तो उसको आपको नहीं करना है, उसको स्किप करना है दोस्तों। और जो आपको लगे कि 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में इसको लगा सकते हैं, उसको ही पहले राउंड में आपको करना है। और 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन देखना है, और कम से कम 42 से 45 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और इतने सही क्वेश्चन करना है। पहले राउंड में जो भी आप क्वेश्चन करें वो सही करें, उसके बाद आप जो सेकेंड राउंड आप करेंगे 15 मिनट आपको जो समय बचेगा उसमें जो आप टैग क्वेश्चन किए रहेंगे दोस्तों, उसमें टैग ऑप्शन दिया कि जो आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को देखिए और उसको करिए दोस्तों। उसके बाद कुछ डाउट वाले अगर क्वेश्चन हैं, डाउट वाले मतलब जो 80 और 20 में डाउट है दोस्तों, 80% अगर आपको आ रहा है वो क्वेश्चन तभी उस डाउट वाले को करिए, अन्यथा उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए दोस्तों। आप जानते हैं कि 52 से 55 से कम कटाप, 50 से कम कटाप नहीं बनने वाली है दोस्तों।
50 से कम कट ऑफ नहीं बनेगी, इसलिए आप उससे ज़्यादा ही 52 में 55 सही क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप अगर 60 क्वेश्चन करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन जरूर गलत होगा, तो 52 में 55 आप सही क्वेश्चन करिए और 60 से 65 क्वेश्चन आप करिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन का बटन बनेगा उसको भी दबाना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए गुरुकुल ट्रिक्स चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।